अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे, WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था। तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, 3 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई हमारी, FIR नहीं हुई है। तो और किस, आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है, तो उच्च न्यायालय हम गए हैं। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लॉ बने हुए हैं फेर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लॉ काम नहीं करेगा? आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो क्यों सरकार से ही सवाल है, आपके थ्रू ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है। तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ी को जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं। अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं, तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीजें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया ना कोई बर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है? मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, ना हम हरियाणा से है ना हम पंजाब से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन है, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की जो ये लड़ाई है इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बच्चे। ये कहना है कि वो कबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए, आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट कर रही हैं वो बार बार कह रहे हैं लड़कियों को सामने लाए। अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते कि जनता के सामने बताओ भाई कि उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लो भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है।
बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा वाला जो है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रांग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रिजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना, आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है? वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? सवाल ये है, पिछली बार जब धरने पर बैठे थे देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायत आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ हाँ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम सब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है वो, ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है, हम पूरे देश के हैं। तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और पिछली बार जो भी हुआ उससे उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ सपोर्ट करो, खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो।